ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी मंदिर में तीसरे नवरात्र को श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन कर रहे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर अधिकारी ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में दूसरे नवरात्र को श्रद्धालुओं के द्वारा कुल चढ़क 12 ग्राम 200 मिलीग्राम सोना और चांदी 408 ग्राम श्रद्धा के रूप में ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित किए गए। ज्वालामुखी मंदिर में तीसरे नवरात्र को श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। मंदिर अधिकारी ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में दूसरे नवरात्र को श्रद्धालुओं के द्वारा कुल चढ़त 4,44,791 रुपए सोना 12 ग्राम 200 मिलीग्राम और चांदी 408 ग्राम श्रद्धा के रूप में ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित किए गए। पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने बताया कि आज हिंदू संस्कृत में नवरात्रों का बहुत महत्व होता है। ज्वालामुखी मंदिर में तीसरे नवरात्र को परिवार सहित अपनी कुल देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और देश और प्रदेश वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माता सभी के परिवारों में खुशहाली लेकर आए, हमारा देश और प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज हमारे हिंदू कल्चर में, संस्कृति में बहुत बड़ा हमारा पर्व जो है, जो नवरात्रि, उसका शुभारंभ अभी 3 दिन पहले हुए। आज तीसरा नवरात्रा है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ परिवार के साथ यहाँ पर माँ ज्वाला जी के दर्शन, कुलदेवी हमारी, उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जहाँ माता के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वहीं पर प्रदेशवासियों को, सभी को, देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि माता जी सभी के परिवार में खुशहाली लेकर आए, हमारा ये देश ये प्रदेश दोगुनी चारगुनी तरक्की करे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्रों के 9 दिनों में 9 रूपों में माँ का पूजन किया जाता है। आज तीसरा नवरात्रा है और चंद्रघंटा के रूप में माँ ज्वाला का पूजन किया जा रहा है। चंद्रघंटा माँ गौरी का सुहागिन का रूप है। उनके मस्तिष्क पर चंद्र विराजमान है। विशेष रूप से हृदय रोग से परेशान सभी लोग चंद्रघंटा माता की उपासना करें, उनको भरपूर फायदा मिलेगा। ये देवी सभी को बर देने वाली है। ज्वालामुखी में सुबह से मौसम खराब है, काले बादल छाए हैं और मौसम बड़ा सुखमय और आनंदमय है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बड़ा अलौकिक दृश्य बना हुआ है। उसके बावजूद भी ज्वालामुखी मंदिर आए हुए श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्वाला माँ से प्रार्थना करेंगे कि ज्वाला माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। आज तीसरे नवरात्रे में माँ गौरी का चंद्र घंटा के रूप में पूजन किया जाता है, क्योंकि हरेक तरह से पूजा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। चंद्र घंटा जो है माँ गौरी का सुहागिन का रूप है, उनके मस्तक पे चंद्र जो है घंटा के समान विराजमान है, इसलिए उनका नाम चंद्र घंटा रखा हुआ है। महामाई चंद्र घंटा सबकी मनोकामना पूर्ण करके विशेष रूप से जो हृदय के रोगी हैं या हार्ट पेशेंट हैं, वो चंद्र घंटा की उपासना करें तो उनको भरपूर लाभ होगा। जय ज्वाला माँ, जले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले तृप्त व्याप्ति ज्वाला की नमस्ते, जय ज्वाला माँ। प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, हरेक तरफ से श्रद्धालुओं को सुविधा दी जा रही है। पानी की, पीने के पानी की सुविधा है, सुरक्षा चाक चौबन है। थोड़े श्रद्धालुओं की संख्या कम है, मगर फिर भी लोग बड़े जोश के साथ माँ ज्वालामुखी के दर्शन कर रहे हैं, के साथ माँ माई का आशीर्वाद ले रहे हैं। जय माता, जय ज्वाला। दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि तीसरे नवरात्र में ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों के लिए आए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, मंदिर प्रशासन का बहुत बहुत अच्छा इंतजाम है, हमको दर्शन करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। श्रद्धालु ने बताया कि नवरात्रों का तीसरे दिन में मंदिर में दर्शनों के लिए आए हुए हैं और दर्शन करके बहुत आनंद आ रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम भी बहुत बढ़िया है। मैं ललित कुमार गुप्ता, चंडीगढ़ से आए हैं। हम तीसरे नवरात्रे पे ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करके हमें बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है प्रशासन ने यहाँ पे। किसी को कोई
दिक्कत नहीं हो रही है दर्शन करने के लिए, लाइनें अच्छे से लगी हुई हैं, अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, अपने बेटे का मुंडन करवाने के लिए आए हैं। प्रशासन का बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है, हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें दर्शन करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं राजीव गुप्ता ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से आया हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, हम माता ज्वाला जी के दर्शन करके हम अपने बेटे के मुंडन के लिए आए हैं। प्रशासन का बड़ा ही अच्छा इंतजाम है, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में बड़ा ही उत्साह है और बड़े आराम से वो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है।